गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्याय दर्शन में ईश्वर का विचार पढ़ेंगे। न्याय ईश्वर के बारे में क्या कहता है, आत्मा के बारे में क्या कहता है, इन दो तत्व मीमांसी तत्वों की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। न्याय दर्शन ने ईश्वर को एक चेतन आत्मा माना है जो सीमित नहीं है। उसने दो तरीके की आत्माओं का उल्लेख किया है, एक है चेतन आत्मा और एक है, मतलब दोनों ही चेतन है लेकिन चेतना की जो मात्रा है दोनों में उसमें फर्क है। एक जीवात्मा है जिसकी चेतना, जिसका ज्ञान और जिसकी सत्ता अनित्य है, आंशिक है, सीमित है, और दूसरी तरफ परमात्मा है जिसका ज्ञान असीमित है और जिसकी सत्ता को शाश्वत माना गया है और उसने इस जगत की रचना की है। तो ईश्वर के गुणों की अगर बात करें तो ईश्वर में बहुत सारे गुण माने हैं उसने, जैसे ऐश्वर्य, शक्ति, वीर्य, इस तरीके के सैकड़ों गुण ज्ञान ईश्वर में स्वीकार किए गए हैं। न्याय दर्शन ने ईश्वर को इस जगत का कर्ता, संहार करता, मतलब उसने इस जगत को बनाया है, वही इस जगत को नष्ट करता है और वही इस जगत का पालन करता है। ईश्वर जगत का निर्माण कैसे करता है? अब हमारे सामने अगर ये प्रश्न उठता है तो हम कहेंगे कि जो न्याय दर्शन में बताया गया है वही मैं आपको बता रही हूँ। न्याय दर्शन में कहा गया है कि ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है, और निमित्त कारण है तो निमित्त कारण को तो सामग्री की जरूरत पड़ती है, उपादान कारण की जरूरत पड़ती है, तो वो उपादान कारण क्या है? वो उपादान कारण है परमाणु, पाँच महाभूतों के दिक्, काल आदि, इनसे ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया है कि ईश्वर को सिद्ध कैसे किया है। न्याय दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क बड़ी प्रबलता के साथ दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ ईश्वर विचार का और उन तर्कों का उल्लेख करना जरूरी है। सबसे पहले कारणाश्रित तर्क की हम बात करें तो कारणाश्रित तर्क क्या होता है? ये माना जाता है कि जगत में हर वस्तु का कोई ना कोई कारण है। अगर ये चौक भी है तो इसका भी कोई कारण है, इसे कोई बनाने वाला है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि जगत भी कलेक्टिवली एक कार्य है, तो इसको बनाने वाला भी कोई कारण होगा। तो हम ये देखते हैं कि जगत को हमने तो नहीं बनाया, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं बनाया, तो हम और पीछे जाते हैं। और पीछे जाने पर हमें लगता है कि ज़रूर ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया होगा, तो इस जगत के मूल कारण के रूप में हमको ईश्वर का उल्लेख मिलता है। इसलिए न्याय दर्शन कहता है कि कारण आश्रित तर्क के माध्यम से भी हम ईश्वर को स्वीकार कर सकते हैं। एक उसने नैतिक तर्क का है, उसने कहा है कि इस जगत में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, उनके जीवन अलग अलग होते हैं, उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे कर्म करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जिन्होंने बहुत गलत काम किए हैं उनको भी कोई संकट नहीं है या वो आराम से रह रहे हैं। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए या इसको समझाने के लिए न्याय दर्शन ये कहता है कि मानव जितने कर्म एक जन्म में करता है उन सबको उसी समय नहीं भुगत सकता, हालांकि उसे अपने कर्मों के फल भुगतने ही होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो बरसों बाद। लेकिन कई बार इसी जन्म में मुझे वो कर्मों के फल नहीं मिलते, तो इन कर्मों के फल मुझे बाद में किसी जन्म में मिलते हैं, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो ये कर्म नियम जो चलता है, इसको चलाने वाला कौन, इस कर्म नियम को चलाने वाला या इस कर्म नियम का नियामक कह सकते हैं, इसे न्याय दर्शन कर्मों के जो फल होते हैं उनको संचालन करने वाला कौन है, तो वो इसे एक अदृष्ट का नाम भी देते हैं कि इस अदृष्ट का संचालक कौन है। तो वो ये कहते हैं कि इस अदृष्ट का संचालक ईश्वर है। जिस तरीके से भौतिक क्षेत्र में कार्य कारण का नियम कार्य करता है, उसी तरीके से कर्म का नियम नैतिक क्षेत्र में काम करता है, और वहाँ प्रकृति स्वयंभू चलती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम है, अन्य आकर्षण विकर्षण के नियमों से प्रकृति चलती है, तो नैतिक क्षेत्र में भी कर्म का नियम होता है जिससे व्यवस्था बनी रहती है। उसका नियामक, उसका संचालन करने वाला ईश्वर माना गया है। तो एक ये नैतिक मूलक तर्क भी दिया जाता है। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि वेदों की प्रमाणिकता को हम क्यों स्वीकार करते हैं, वेदों की प्रमाणिकता को, इसे वेदों के प्रमाण्य पर आधारित तर्क कहते हैं। वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करने की वजह ये है कि वेदों में जिन कथनों का उल्लेख है, वेदों में जिस ज्ञान के बारे में बात की गई है, वो ईश्वर के कथन है। ईश्वर के कथन है, इसीलिए वेदों की प्रमाणिकता है। वेदों में जो कहा गया है वो सत्य है, तर्क और संदेह से परे है,
और ईश्वर द्वारा रचित है, इसीलिए हम वेदों को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये वेदों के प्रमाण्य पर आधारित तर्क। इसके अलावा एक श्रुति पर आधारित तर्क भी होता है कि श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराण में, गीता में, वेदों में, मतलब इन सब में ईश्वर का उल्लेख है। गीता में जैसे कहा गया है कि मैं ही जगत को चलाने वाला हूँ, अंतिम गति मुझ तक ही, सब मेरी ही तरफ आते हैं, मैं ही जगत का माता पिता हूँ। तो इसका मतलब वहाँ ईश्वर खुद बता रहा है, श्रुतियों में जो कहा गया है, जो हम तक इस तरह पहुँचता है तो उसमें ही बताया गया। तो श्रुतियों के आधार पर भी ईश्वर को सिद्ध किया गया है। अब ईश्वर को जब न्याय ने सिद्ध किया है तो लाजमी सी बात है कि कोई दूसरे दर्शन होंगे जिन्होंने इसकी आलोचना भी की होगी। तो न्याय के ईश्वर संबंधी विचार की आलोचना में सबसे पहली बात तो ये कहा जाती है कि वेदों की प्रमाणिकता ईश्वर पर आधारित है और ईश्वर को सिद्ध करने के लिए वेदों की जरूरत पड़ती है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर हो गए। तो ये बात कुछ असंगत लगती है। ये कहा जाता है कि वेद इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि ईश्वर ने उनको रचा है, और फिर हम ईश्वर को सिद्ध करने के लिए वेदों की प्रमाणिकता का उल्लेख देते हैं, तो दोनों परस्पर निर्भर एक दूसरे पर है, तो स्वतंत्र नहीं है। दूसरी बात, ये जो कारण मूलक तर्क दिया जाता है कि इस जगत का कोई कारण होगा, तो जब हम ये कहते हैं कि हर चीज़ का कोई कारण है, तो जगत का कारण अगर ईश्वर है तो ईश्वर का भी कोई कारण होना चाहिए। हम ईश्वर पर आकर क्यों रुक जाते हैं? अगर हम ईश्वर पर आकर रुकते हैं तो एक तरीके से हम मूल कारण के सिद्धांत को ही खंडित कर रहे हैं। मूल कारण का सिद्धांत ही अपने आप में इस बात को खंडित कर देता है कि हर वस्तु का कोई कारण होता है। अगर हर वस्तु का कोई कारण होता है तो कोई भी मूल कारण नहीं हो सकता। हम हर चीज़ का कारण तलाश करें, और अगर हम जगत का कारण ईश्वर को माने और ईश्वर का कारण खुद ईश्वर को मान लें, तो क्यों ना हम जगत का कारण खुद जगत को ही मान लें, क्योंकि वो हमारे अनुभव में आसानी से आ जाते हैं बजाय ईश्वर के। तो इस तरीके से अन्य दर्शनों ने न्याय के ईश्वर विचार का खंडन किया। अब अगर हम देखें न्याय के आत्मा संबंधी विचारों की अगर हम बात करें, तो देखिए न्याय का आत्मा विचार शेष भारतीय दर्शनों से अलग है। उसका आत्मा संबंधी विचार हम कह सकते हैं कि अपने आप में अनूठा है। वो ये कहता है कि जो आत्मा होती है वो स्वरूपतः अचेतन है, मतलब उसमें चेतना नहीं होती। आत्मा में चेतना किन्हीं खास परिस्थितियों में आती है। वो खास परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं? जब आत्मा मन से, मन इंद्रियों से, इंद्रियां विषयों से संपर्क स्थापित करती है, तब उसमें चेतना का उदय होता है, तब उसमें ज्ञान का उदय होता है, आत्मा तब चेतन होती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि न्याय दर्शन ये मानता है कि आत्मा में चेतना एक आगंतुक गुण है, मतलब किसी खास परिस्थितियों में आता है, हमेशा नहीं रहता। जैसे सांख्य उसको अनिवार्य गुण मानता है, शंकराचार्य ये कहता है कि आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है, ऐसा कुछ न्याय स्वीकार नहीं करता। न्याय ने बता दिया कि आत्मा स्वभावतः अचेतन होती है। आगे हम जब इसका मोक्ष का विचार पढ़ेंगे तो वो भी इसी तरह अनूठा है कि वो ये मानते हैं कि मोक्ष की स्थिति में आत्मा वापस अचेतन हो जाती है। अचेतन मतलब वो जड़ पदार्थ के समान हो जाती है, उसमें किसी तरीके की चेतना नहीं रहती। न्याय ऐसा क्यों कहता है कि आत्मा को जड़ क्यों मानता है? वो ये कहता है कि अगर हम आनंद की अवस्था को मानेंगे तो वो भी एक ऐसी अवस्था है जो सापेक्ष, न्याय के अनुसार आत्मा भी एक भाव है, उसमें भी परिवर्तन होता है। चेतना आनंद भी एक भाव है, उसमें परिवर्तन होता है, जबकि आत्मा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आत्मा में स्थायित्व जैसा कुछ हो या आत्मा में शाश्वतता जैसा कुछ हो, ये विशेषता हो, तो ये मानना जरूरी हो जाएगा कि आत्मा स्वरूपतः अचेतन होनी चाहिए। अब आत्मा अचेतन है तो आत्मा में बाकी सारी जो विशेषताएं अन्य दर्शन बताते हैं वो न्याय दर्शन स्वीकार नहीं करता। न्याय ये नहीं मानेगा कि आत्मा में बाकी सारी विशेषताएं होती है। आत्मा कर्ता भोक्ता कब होती है? जब उसमें चेतना आ जाती है, जब वो इंद्रियों से संपर्क स्थापित कर लेती है, तभी उसमें ये कह सकते हैं कि तभी आप उसे चेतना आने के बाद कर्ता भोक्ता और ये ज्ञाता की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन आत्मा को क्यों स्वीकार किया जाए, मतलब मैं किस आत्मा क्यों है? बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियां कह सकते हैं, सुख दुख का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन हो सकता है, लेकिन आत्मा किसका विचार करती है? आत्मा के बारे में क्या तर्क दिए हैं न्याय दर्शन ने उसको सिद्ध करने के लिए? तो ये कहते हैं कि हम जो कल्पनाएं करते हैं वो मन नहीं करता, वो इसके हिसाब से आत्मा करती है। सुख दुख जरूर मन के गुण हैं, लेकिन कल्पना आदि आत्मा के गुण। अब हम अगर
न्याय दर्शन के मोक्ष विचार को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें न्याय का कंसेप्ट और क्लियर होगा। कुछ खास परिस्थितियाँ होती हैं, एक तो ये बात है कि न्याय दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है, ठीक है। कुछ खास परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से आत्मा बंधन की अवस्था में आती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वह ज्ञान की अवस्था होती है जब आप किसी अस्थाई वस्तु को स्थाई समझ लेते हैं, जिसका नाश होने वाला हो आप ये समझ लेते हैं कि वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। हम अपने आप से लेकर जगत की हर वस्तु पर अगर नज़र डालें, जो भी हमारे अनुभव में आता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि सूर्य जिसकी उम्र करोड़ों अरबों साल है वो भी एक समय बाद नष्ट हो जाएगा, और इससे भी बड़े बड़े तारे कभी रहे और आगे जाके नष्ट हो गए। सूर्य भी कभी था और आगे जाके कुछ करोड़ों अरबों साल बाद इसकी भी उम्र खत्म हो जाएगी। तो ऐसे जगत की हर वस्तु, ब्रह्मांड की हर वस्तु विनाशी वो खत्म हो गई। ये बात जब हमको समझ में आ जाए कि ये अस्थाई तत्व है और ये स्थाई तत्व है और इन दोनों में भिन्नता होती है, जब हम इस भिन्नता के ज्ञान को जान लेते हैं, ये अनात्म तत्व है ये आत्म तत्व है, जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस अवस्था में आ गए जब हम ये कह सकते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई या हमें सही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब मैं वो बताना चाह रही हूँ कि न्याय दर्शन में मोक्ष का मतलब क्या होता है। न्याय दर्शन में मोक्ष का मतलब होता है कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट जाए। और आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? आत्मा का मूल स्वरूप है कि वो अचेतन हो जाए, क्योंकि चेतना उसके साथ जुड़ती है तभी सारे भाव, विचार, संवेग, अनुभूतियाँ, अनुभव, प्रत्यक्ष तभी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। और अगर वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो ये अपने आप निष्कर्ष निकल कर आएगा कि आत्मा अचेतन हो जाएगी। अचेतन आत्मा को ही तो कुछ अनुभव नहीं होगा, अगर चेतन रहेगी तो उसको अनुभव होगा। तो न्याय दर्शन ये कहता है कि मोक्ष में आत्मा अपने मूल स्वरूप मतलब अचेतन अवस्था में लौट जाती है और जगत के साथ किसी भी तरीके का संपर्क नहीं रखती। तो हालांकि इसको बहुत क्रिटिसाइज किया है लोगों ने कि अगर हम मोक्ष के स्वरूप को इस तरह माने तो भला कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित क्यों होगा, अगर आत्मा मूलतः अचेतन ही हो जाएगी तो मोक्ष की अवस्था एक तरीके से जड़ की अवस्था हो गई, पत्थर की अवस्था हो गई, तो कोई पत्थर बनना क्यों चाहे। मोक्ष की अवस्था शांतिपूर्ण होती है, मोक्ष की अवस्था आनंददायक होती है, इस तरीके का कुछ प्रेरक तत्व होने चाहिए तभी कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकता है, उस पथ पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन न्याय का जो मोक्ष विचार है वो किसी में इस तरीके की प्रेरणा नहीं जगाता, बल्कि रामानुज ने ये कहा है न्याय के मोक्ष विचार के लिए कि इससे तो बेहतर है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति वैष्णव थे, कृष्ण और राम की भक्ति और जो श्री की भक्ति किया करते थे, तो वो ये कहते थे कि इससे तो बेहतर है कि मैं गिद्ध बन जाऊँ और मथुरा या वृंदावन के जंगलों में विचरण करूँ, वो ज़्यादा बेहतर है कि मुझे अपने आराध्य के समीप होने का अनुभव होगा बजाय मैं न्याय दर्शन का मोक्ष प्राप्त करूँ। तो ये आज हमारा न्याय दर्शन कंप्लीट हो गया है, कल हम वैशेषिक दर्शन और उसके पदार्थों की चर्चा करें। थैंक यू।